हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ही रुकवाएंगे रसिया और यूक्रेन की जंग। भारत के लगातार संपर्क में है यूनाइटेड नेशन का चीफ। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर संयुक्त राष्ट्र में उठी ये मांग कि अक्साई चीन को माने चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसके बाद बौखलाया चाइना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको अक्साई चीन पर चीन के अवैध कब्जे के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर अब रशिया के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम ने उठाया है बड़ा कदम दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे, जहां भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी और भी ज्यादा ताकत, इस अमेरिकी हथियार से लैस हुआ तेजस का लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां इमरान खान को लेकर नवाज ने कर दी है अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। साथ ही आपको बताएंगे, जहाँ बिहार के मोतिहारी में बम धमाकों से दहला। जी हाँ दोस्तों, किसी बहुत बड़ी साजिश की थी तैयारी। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मकान मालिक ने धमकी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की घर से फोटो हटाओ वरना घर से निकाल देंगे, जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पुलिस पहुंची। पूरी खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। और सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मोदी सरकार ने आम जनता को दे दी बहुत बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, इस महंगाई में सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों, मानते हैं कि भारत देश नंबर वन देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ही रुकवाएंगे रूस यूक्रेन की जंग। भारत के लगातार संपर्क में है यूनाइटेड नेशन चीफ। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच एक महीने से जारी जंग को खत्म कराने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहम भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि वो युद्ध समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत सहित कई देशों के करीबी संपर्क में है। आपको बता दें, भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की पैरवी करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सोमवार को कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल सहित अन्य देशों के साथ संपर्क में है। संवाददाताओं से बातचीत में गुतारेस ने कहा कि मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी से संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कहा कि मैं अपने तुर्की के मित्रों के साथ और भारत के साथ बड़े ही निकट संपर्क में हूँ। मेरा विश्वास है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये सभी प्रयास आवश्यक हैं। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को ये भरोसा है कि भारत जैसा देश, खास करके पीएम नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच युद्ध में मध्यस्थता करा करके दोस्तों शांति को बहाल कर सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, कमेंट राय जरूर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि मोदी जी की आज क्या स्थिति है, पूरे विश्व में उनकी क्या वैल्यूज है। जी हाँ दोस्तों, तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर क्या यूक्रेन के साथ जंग में थक गया रसिया, शांति वार्ता के ड्राफ्ट में इन तीन बड़ी मांगों से पीछे हटा। जी हाँ दोस्तों, बता दे दोनों के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत में रूस अपनी तीनों मुख्य मांगों से पीछे हटने पर सहमत हो गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में दोनों देशों के बीच आमने सामने की बातचीत से पहले सामने आए युद्ध विराम के समझौते के ड्राफ्ट में रशिया की तीन प्रमुख मांगों का उल्लेख नहीं है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि रूस शायद अपनी उन तीनों मांगों से पीछे हटने को सहमत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और साथ ही आपको बता दें, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है,
संयुक्त राष्ट्र में उठी इस मांग पर बौखलाया चाइना। मांग ये थी कि अक्साई चीन को माने चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 49वें सत्र के दौरान कश्मीर के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता जुनैद कुरैशी ने अक्साई चीन पर चीन के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अक्साई चीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए उसे औपचारिक रूप से चीन के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर की मान्यता दी जानी चाहिए, यानी उसे सीओके कहना चाहिए। दोस्तों चर्चा के दौरान जुनैद ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों के भूमि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस पर कई सालों से परिषद में बहस होती आई है। कुरैशी ने कहा कि अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के 20% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आकार में भूटान के लगभग बराबर है। संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अंग जैसे मानवाधिकार परिषद बोले तो UNHRC में ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर मौजूदा शब्दावली के आधार पर अक्साई चीन के मुद्दे पर चीन के अवैध कब्जे की पूरी तरह अनदेखी की है। यानी कि दोस्तों आपको बता दे चीन ने इस बात का किया है विरोध। जुनैद कुरैशी की बात सुनने के बाद चीन ने इसका विरोध किया। चीन ने कहा कि जुनैद ने जो बयान दिया है वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। चीन अनुरोध करता है कि जुनैद की मांग को नजरअंदाज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बौखलाते हुए चीन ने जुनैद की बात को ही दोस्तों गलत करार दिया है और बेबुनियाद करार दिया। से आपकी क्या राय होगी अगर आप भी मानते हैं चीन के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर को सीओके की मान्यता दी जानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सीओके जरूर लिखेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेगा यूक्रेन। भेजा गया न्योता, यूरोपीय देशों ने रूसी राजनयिकों को देश से निकाला। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को 6 और 7 अप्रैल को होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स में आयोजित किया जाएगा। आमंत्रित अन्य गैर सदस्य देशों में जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया गणराज्य हैं। यूक्रेन के कीव इंडिपेंडेंट ने नाटो के हवाले से इसकी बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें पोलैंड में अमेरिकी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को हथियारों और उपकरणों का उपयोग करना सिखा रहे हैं। ये वे हथियार हैं जिन्हें पश्चिमी मुल्कों द्वारा भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहाँ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पड़ रहा भारी, यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने देश की कंपनियों से कहा कि रूस और बेलारूस के सप्लायर से खत्म करे कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने देश की सभी रिपब्लिक सेक्टर कंपनियों से रशिया को और बेलारूस की कंपनियों के साथ अपने समझौतों की समीक्षा करने और उन्हें तोड़ने का आह्वान किया है। ब्रिटेन सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है। बोरिस जॉनसन की सरकार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाना चाहती है। यूके कैबिनेट में मंत्री स्टीव बार्कल ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जनता के पैसे से व्लादिमीर पुतिन का युद्ध जारी नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहाँ भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी और भी ज्यादा ताकत। इस अमेरिकी हथियार से लैस हुआ अपना तेजस लड़ाकू विमान दुश्मन पर लगाएंगे सटीक निशाना। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने एक और कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना इस LCA लड़ाकू विमानों को अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट से लैस किया गया है। अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट से लैस होने के बाद LCA लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से निशाना लगाने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट को लेकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ये तकनीक हवा से जमीन पर 80 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर सही निशाने पर बम गिराने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन एयर फोर्स जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर हिंद प्रशांत को लेकर बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है $1.8 अरब की मदद का प्रस्ताव। चीन का मुकाबला करने का है लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंद प्रशांत रणनीति के लिए सहयोग के रूप में 1.8
8 अरब डॉलर लगभग 13,670 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए 40 करोड़ डॉलर करीब 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का भी प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंद प्रशांत में अमेरिकी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही हमारे यूरोपीय और हिंद प्रशांत सहयोगियों के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन भी किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार जो बाइडेन ने चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर, जहाँ पर पुतिन पर दिए विवादित बयान पर जो बाइडेन ने कहा मैं माफी नहीं मांगने वाला, यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर निकाल रहा था गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूरोप में दिया गया उनका बयान यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर स्वाभाविक आक्रोश था। जो बाइडेन ने यूरोप के अपने दौरे के दौरान कहा था कि व्लादिमीर पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते। जो बाइडेन ने अपने इसी बयान पर सफाई पेश करते हुए अब कहा है कि ये बयान रशिया में सत्ता परिवर्तन के संबंध में अमेरिकी नीति में किसी भी बदलाव का संकेत नहीं है। हालांकि जो बाइडेन ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है, अमेरिकी प्रशासन पिछले कई दिनों से इस बयान को लेकर सफाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां मरियम नवाज ने कर दिया इमरान सरकार गिराने की तैयारी, अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को होगा मतदान। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान 2018 में पद संभालने के बाद से अपनी सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 3 अप्रैल को होगा। गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, उसके बाद 3 अप्रैल को मतदान होगा। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने अपनी डगमगाती गद्दी को बचाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल करने को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की। प्रधानमंत्री खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा उनके समर्थन में यहाँ एक विशाल रैली आयोजित करने के एक दिन बाद आयोजित एक रैली में मरियम ने कहा कि मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दिन अपने साथ 172 सांसद लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, मरियम ने यह भी कहा कि इमरान खान ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमी बुजदार को कुएं में धकेल दिया। हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा एहसान फरामोश शख्स नहीं देखा। यानी कि दोस्तों, जनता का पूरा मन बदल दिया गया है और इमरान खान की अब कुर्सी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इमरान खान को जब लगा कि उनकी अब कुर्सी जाने वाली है, तो दोस्तों आपको बता दें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को हिदायत दी है। इमरान ने कहा उस दौरान ना रहे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंगलवार को इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों के लिए हिदायत जारी की है। हिदायत में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान यानी 31 मार्च को किसी भी सांसद को सदन में उपस्थित नहीं रहना है। यानी कि दोस्तों, इमरान को पक्का डर है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के सांसद उनके साथ बड़ा गेम खेल सकते हैं, उनकी खिलाफी कर सकते हैं। ऐसे में इमरान तो गए, कमेंट में जरूर लिखिएगा टाटा बाय बाय इमरान, कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीनी विदेश मंत्री ने कहा भारत चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी है, नहीं है एक दूसरे के लिए खतरा। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी भारत यात्रा के बाद बयान दिया है। मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया है कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हमने अनुभव किया है कि दोनों देश शांति बनाए रखने की अपनी पूर्व सहमति पर सहमत है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने मतभेदों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं, ऐसे में जवाब जरूर दीजिएगा। भारत का दोस्तों चाइना के साथ मधुर रिश्ता कब होगा, जब चाइना ये करके दिखाएगा, वो क्या चीज है दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते भारत की जनता क्या कहती है, चाइना से भारत का क्या शर्त है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री ने भी टाला भारत का दौरा, राजनाथ सिंह से फोन पर जताया खेद। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के बाद रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज ने भी अपने भारत दौरे को टाल दिया है। गेंट्ज ने मंगलवार को
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्हें 30-31 मार्च के भारत दौरे को टालना पड़ रहा है। उन्होंने अपना दौरा टलने पर खेद जताया और कहा कि भारत आने की अगली तारीखों पर बातचीत जारी है। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले और उसमें आम लोगों के मारे जाने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने गेंट्स से कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर श्रीलंका में भारतीय विदेश मंत्री अस्पतालों का संकट देख परेशान हुए जयशंकर, उच्चायुक्त को दिए मदद करने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त से उस अस्पताल की मदद करने को कहा जिसने दवाओं की कमी के कारण सर्जरी रोक दी थी। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के पत्रकार के ट्वीट को पढ़कर खुद को परेशान महसूस किया। पत्रकार अयू वोब ने हैशटैग इकोनॉमिक क्राइसिस LK के साथ ट्वीट किया, पेरोडेनिया अस्पताल में निर्धारित सर्जरी दवाओं की कमी के कारण निलंबित कर दी गई है, केवल आपातकालीन सर्जरी हो रही है। ऐसे में दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री ने हैशटैग नेबरहुड फर्स्ट के साथ जवाब दिया। जयशंकर ने लिखा, इस खबर को देखकर परेशान हूँ, मैं उच्चायुक्त बागले से संपर्क करने और चर्चा करने के लिए कह रहा हूँ कि भारत कैसे मदद कर सकता है। श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर गए जयशंकर ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले को पेराडेनिया अस्पताल की मदद करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर यूक्रेन संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो इसी हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे, ब्रिटिश विदेश मंत्री ट्रस भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो इसी हफ्ते दोस्तों भारत की यात्रा करेंगे। इससे पहले वे चीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लावरो के 1 अप्रैल को दिल्ली दौरे की उम्मीद है। इसी दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर साथ में अमेरिकी डिप्टी NSA दलीप सिंह भी आएंगे। भारत रूस पर प्रतिबंधों की इन्होंने झड़ी लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, वही अधिकारी हैं और अब भारत दौरे पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के दलीप रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के कर्ता धरता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब ये भारत आने वाले, इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन के शंघाई शहर में 2 साल बाद लगा सबसे बड़ा लॉकडाउन, क्यों टेंशन में आई दुनिया, हम आपको बताते हैं। चीन के शंघाई शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई की करीब 1 करोड़ जनता 2 साल बाद इस समय बेहद सख्त लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है। चीन में कोरोना को रोकने के लिए यह सख्त लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया गया है जब दुनिया अब इस महामारी के साथ जीना सीख चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पर बिहार से बड़ी खबर, किसी बड़ी साजिश की थी तैयारी, बम धमाकों से दहला मोतिहारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में आपराधिक वारदाताओं का सिलसिला लगातार जारी है और आज इसी क्रम में शहर के बीचों बीच, या यूं कहें कि शहर की हृदय यानी दिल स्थली अगरवा मोहल्ले में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। जी हाँ दोस्तों, यह धमाका एक घर में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए घर में रखे गए 2 बम्बे अचानक धमाका हो गया। जी हाँ दोस्तों, पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में बहुत बड़ी खबर बिहार से। ऐसे में कितने भाई बहन जो बिहार से बिलोंग करते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहाँ बुर्का के बाद अजान की बारी, भाजपा ने कर दी रोक लगाने की मांग। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कहा है कि वो ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुंबई पुलिस आयुक्त की पहल को ध्यान में रखते हुए शहर भर में लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान करने के लिए इस्लामी आहान पर रोक लगाने की मांग करती है। भाजपा नेता मोहित कंबोज ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान की घोषणा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे से सभी मस्जिद से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का अनुरोध करता हूँ। अजान होनी चाहिए लेकिन लाउड स्पीकर पर नहीं। आप क्या कहते हैं दोस्तों, भाजपा नेता मोहित कंबोज का कहना सही है या गलत, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों लाउड स्पीकर को लेकर, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या है भारत की राय। और दोस्तों
दोस्तों इसी बीच आपको बता दे, जहाँ मकान मालिक की धमकी के बाद पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचे यूसुफ। यूसुफ का कहना है कि उनके मकान मालिक ने कहा है कि पीएम मोदी की घर से फोटो हटाओ वरना निकाल दूंगा घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर स्थित पीर गली के रहने वाले यूसुफ ने पीएम मोदी की शख्सियत और उनके कार्यों से प्रभावित होकर अपने किराए के मकान में उनकी तस्वीर लगाई थी। जैसे ही मकान मालिक की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने यूसुफ को तुरंत उस तस्वीर को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि यदि पीएम की तस्वीर नहीं हटाई तो उन्हें मकान खाली करना पड़ेगा। परेशान यूसुफ ने जन सुनवाई मंच का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में आपको बता दे दोस्तों, अतिरिक्त डीसीपी मनीषा पाठक सोनी ने कहा है कि शिकायतकर्ता जन सुनवाई में आया और शिकायत की है कि मकान मालिक उस पर प्रधानमंत्री की फोटो हटाने का दबाव बना रहा है और धमकी दे रहा है कि नहीं हटाया तो घर खाली करवा करके घर से निकाल फेंकूंगा, जबकि वो पीएम मोदी की विचारधारा से प्रेरित है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, ऐसे मकान मालिकों को क्या करना चाहिए बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि इस लोकतंत्र भरी भारत देश में किसी की आजादी को छीन लेना, किसी के इंटरेस्ट को खत्म कर देना, ये कभी अलाउ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर 5 साल बाद भी नहीं मिले चाचा भतीजा का दिल, अखिलेश के खिलाफ शिवपाल ने लिया अब ये सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी का वारिस बनने के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव कुनबे में 5 साल पहले शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब भी जारी है। शिवपाल सिंह ने सपा के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज होकर फिलहाल शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। चर्चाओं के मुताबिक वे अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी असेंबली का चुनाव जीतने वाले पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां केंद्र ने लिया बहुत बड़ा फैसला, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला। क्या नया नाम होगा हम आपको बताते हैं। भाजपा के संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को 2 बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला किया। अब इसे पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इस संग्रहालय में देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत करेंगे दोस्तों, हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है अपना लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार युवाओं को रोजगार के रूप में बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने का निर्णय लिया है। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। क्या योगी सरकार इसको पूरा कर पाएगी दोस्तों, लक्ष्य को कमेंट में बताइएगा जरूर, और जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां अब महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। जी हां, महंगे एलपीजी गैस सिलेंडर अब आम जनता को राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक तो एलपीजी गैस महंगी, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन के चलते आम जन की रसोई का बजट इन दिनों बिगड़ा हुआ है। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इसका विकल्प खोज निकाला है। आपको बता दें, इस युक्ति से आपको काफी सस्ती गैस अपनी रसोई में ही मिल जाएगी। साथ ही बिजली के बिल की तरह आप जितने यूनिट गैस यूज करेंगे उसका भुगतान कर सकेंगे। इससे जहां एक आपको सिलेंडर की गाड़ी की वेट करने से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं काफी हद तक मुनाफा भी होगा, क्योंकि अभी एक सिलेंडर की कीमत 950 रुपए है। इसमें एलपीजी गैस के साथ सिलेंडर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जुड़ा होता है दोस्तों। आपको बता दें, अब देश की 98% आबादी को जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार हर घर में रसोई गैस मुहैया कराएगी। अभी तक ये सुविधा कुछ शहरों में ही उपलब्ध थी, जिसका दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। अब गांव तक भी पाइपलाइन के माध्यम से सबके घरों में रसोई गैस पहुंचेगी दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी हमने आपको दी। ऐसे में अगर आप भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार से खुश हैं दोस्तों, तो कमेंट में पीएम हो तो मोदी जैसा जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही आपको बता दे, जहां किसानों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, होगा सभी को फायदा। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है, और अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 10वीं किस्त पहुंच चुकी है। आपको बता दे दोस्तों की
बिना ई केवाईसी के आपकी किस्त अटक जाएगी और ऐसे में 11वीं किस्त जल्द जारी करने वाली है सरकार। तो उससे पहले ई केवाईसी जरूर करवा लें और ई केवाईसी करवाते ही दोस्तों सरकार 11वीं किस्त अवश्य भेजेगी। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगले खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।